भारत में पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर चर्चा में है। भारत में इसके जरिए कई पत्रकारों और चर्चित हस्तियों के फोन की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। पेरिस की एक संस्था फॉरबिडन स्टोरेज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास करीब 50,000 फोन नंबर्स की एक लिस्ट है। इन संस्थानों का दावा है कि ये वो नंबर है जिन्हें पेगासस स्पाईवेयर के जरिए हैक किया गया है। इन दोनों संस्थानों ने इस लिस्ट को दुनिया भर के 16 मीडिया संस्थानों के साथ शेयर किया है। बांग्लादेश समेत कई देशों ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है। इसे लेकर पहले भी विवाद हुए हैं। मेक्सिको से लेकर सऊदी अरब की सरकार तक पर इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। व्हाट्सएप के स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक समेत कई दूसरी कंपनियों ने इस पर मुकदमे भी किए हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे और ज्ञानवर्धक लगते हैं तो वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर किया करें। इससे हमें ऐसे ही और वीडियोज बनाने की प्रेरणा मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्या जाता है। पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इसराइली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई भी हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। सबसे खतरनाक बात, फोन लॉक होने पर भी पेगासस अपना काम करता रहता है। साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्पर स्काई की एक रिपोर्ट के अनुसार पेगासस आपको एनक्रिप्टेड ऑडियो सुनने और एनक्रिप्टेड संदेशों को पढ़ने लायक बना देता है। यह फोन के माइक्रोफोन या कैमरे को एक्टिवेट भी कर सकता है। एनक्रिप्टेड ऐसे संदेश होते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले को ही होती है। जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजा जा रहा है वो भी उसे देख या सुन नहीं सकता है, लेकिन पेगासस की मदद से कोई भी इसे सुन या देख सकता है। पेगासस के इस्तेमाल से हैक करने वाले को उस व्यक्ति के फोन से जुड़ी सारी जानकारियां मिल सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस से जुड़ी जानकारी पहली बार साल 2016 में संयुक्त अरब अमीरात के मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर की बदौलत मिली। उन्हें कई SMS प्राप्त हुए थे जो उनके मुताबिक संदिग्ध थे। उन्होंने अपने फोन को टोरंटो विश्वविद्यालय के सिटीजन लैब के जानकारों को दिखाया। उन्होंने एक अन्य साइबर सुरक्षा फर्म लुकआउट से भी मदद ली। मंसूर का अंदाजा सही था। अगर उन्होंने लिंक पर क्लिक किया होता तो उनका आईफोन मेलवेयर से संक्रमित हो जाता। तब इस मेलवेयर को पेगासस नाम दिया गया। लुकआउट के शोधकर्ताओं ने इसे किसी एंड पॉइंट पर किया गया सबसे जटिल हमला बताया। गौर करने वाली बात यह है कि आमतौर पर सुरक्षित माने जाने वाले एप्पल फोन की सुरक्षा को ये प्रोग्राम भेदने में कामयाब हुआ। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लीज वियर मास्क एंड फॉलो COVID-19 गाइडलाइंस।